आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से यूपी में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुटी हुई है। बीते कल एक शूटर अरबाज को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। अब आपको सीधे पीड़ित परिवार के पास लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन पटेल वहां पर मौजूद है। पवन, पीड़ित परिवार का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, आप वहां पर मौके पर मौजूद हैं? बिल्कुल नंदनी, इस समय में जो पीड़ित परिवार है मैं उनके घर पे मौजूद हूं और ये उनकी मम्मी जी हैं, जो मृतक उमेश पाल जी हैं, ये उनकी मम्मी जी हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माता जी, चूंकि जो आपके साथ घटना आपके परिवार के साथ घटी है उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था इस पूरे मामले में जितने भी अपराधी उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और कल जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस की मुठभेड़ हुई, अपराधी से एक अपराधी को मार गिराया गया है, एक को गिरफ्तार किया गया है, इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है आप? पलू बेटा, देखते हैं, उस दिन जब आप लोगों के जरिए सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी ने इस तरह कहा है, तो सुन के मुझे तसल्ली हुई कि वो न्याय करेंगे, और कल आप ही लोग के जरिए पता चला है तो मुझे सुन के पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी मुझे फैसला देंगे। मेरा जो दुश्मन मेरे बेटे को मारे हैं उनके साथ जो बर्ताव होगा वो करेंगे। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की है क्या आपको कितना संतुष्ट है आप, और अभी किस तरह की और कार्रवाई आप लोग चाहते कि हो? हमको जो पुलिस की तरफ से सुनने को मिला उससे भी मुझे संतुष्टि है कि वो मेरे साथ सख्ती लोगों को कर रहे हैं। अब आगे जो होगी तो उससे मुझे और संतुष्टि मिलेगी कि मेरे बेटे को मारने वाले कम से कम धारस आई हुई है। परिवार के और लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रयागराज आए और आपके परिवार से मुलाकात करें, आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि आपके जरिए वहां तक आवाज पहुंचे कि वो आके हमसे मुलाकात करें 5 मिनट के लिए, नहीं तो मुझे वहां से आपके जरिए सूचना दें, हम वहां जाने के लिए तैयार हैं, उनसे मेरी मुलाकात होना बहुत जरूरी है ताकि उनके सामने हम अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। और हम क्या कहें, मतलब कि आप लोगों ने परिवार के लोग ने चिट्ठी भी लिखी थी, पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, तो बता सकती हैं कि उसमें क्या लिखा गया था? कब लिखा गया बेटा, मडल के बाद? हाँ, कहा गया था कि परिवार के लोगों ने लिखा मुख्यमंत्री को इसको लेके। हम तो चिल्ला रहे हैं जो कुछ आप लोगों से, तो हम क्या लिखेंगे जी? माता जी नहीं जानते, उनका तो सिर्फ ये कहना है कि हम मोदी जी को योगी जी से मिलना चाहते हैं, या तो उनसे हमारी मुलाकात हो जाए, या स्वयं प्रयागराज आए तो हमारी, या तो उनका कोई और सदस्य आए बड़ा, उसके सामने दुख प्रकट करें। और हम किसी से क्या कहें बेटा, ना कहने योग है ना कुछ करने योग है, हमको तो नया फैसला चाहिए बस। आनंदनी, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों में जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक उमेश पाल है उनकी मम्मी है, उन्होंने जो इस पूरी तरह अभी जो कार्रवाई हुई है पुलिस टीम द्वारा, जो अपराधी को मार गिराया गया है, जो मुठभेड़ हुई है, हालांकि परिवार इस पूरे कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन परिजनों ने साफ तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रयागराज आने की उन्होंने यहाँ पे अपील की है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री प्रयागराज आकर पीड़ित परिवार से मिले। हालांकि एक बात इन्होंने और भी सामने कही है कि सरकार का कोई भी एक बड़ा नुमाइंदा पीड़ित परिवार से आके मिले तो परिजनों को और इससे ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। जी नंदिनी, तरीके से माँ परेशान दिख रही हैं, एक बार फिर से उनसे बात करिए कि जिस तरीके से प्रशासन कार्रवाई कर रही है वो कितनी संतुष्ट नजर आ रही हैं। पहले बताया कि देखिए, जब इस तरह की कोई घटना किसी परिवार में होती है तो जो परिजन होते हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। हालांकि जो अभी मृतक उमेश पाल जी हैं, जो उनकी मम्मी जी हैं, उनकी जो उम्र है, इस उम्र में भी अगर वो सामने आके कुछ बातें कर रही हैं तो बड़े उन्होंने मैंने हम लोगों ने बड़ी कोशिशें की हैं, तब उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा है। अभी वो कुछ बोल पाने में थोड़ी सी असमर्थ दिख रही है, चूंकि उनकी जो तबीयत है वो कई दिनों से लगातार खराब चल रही है और वो लगातार जो है वो दवाई खा रही है, तब कहीं जाके वो बैठने की अभी स्थिति में है, तो उनसे बातचीत हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जो अभी तक पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है,
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सदन में कहे गए शब्दों का उन्होंने यहाँ पे स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि पूरे घटनाक्रम में जितने भी अपराधी हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और बीते कल जिस तरीके से पुलिस टीम की धूमनगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों से मुठभेड़ हुई है उसमें एक अपराधी की मौत हुई है और एक अपराधी को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो परिजन इस पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जी पवन, परिवार के किसी अन्य सदस्य से क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्या कुछ चाहते हैं, कितनी जल्दी वो अपराधियों की गिरफ्तारी चाहते हैं? और भी लोग हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए घर के और भी सदस्य हैं, और भी लोग हैं, और देखिए परिजन हैं, जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा सा बातचीत करने की अभी स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। फिर भी ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और ये पुलिस की टीमें हैं यहाँ पर, यहाँ पुलिस की टीम लगातार यहाँ पे पहरे कर रही है, पुलिस टीम यहाँ पे बैठी हुई है। थोड़ी देर ने बताया कि आज हिंदू धर्म में जब मौत होने के बाद किस तरीके से जो संस्कार कराए जाते हैं, आज ये परिजन के जो है यहाँ पे बाल कटाए गए हैं, और यहाँ पे जिस ये देखिए ये तैयारियां हो रही हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पे परिवार के लोग बैठेंगे, और यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि उनकी तबीयत कहीं ना कहीं खराब दिख रही है। जो मृतक उमेश पाल जी, उनकी मम्मी की जो हालत है वो देखकर कहा जा सकता है कि वो अपनी उम्र में इस तरीके से ज्यादा बात करने की अभी स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है किसी परिवार में तो जो परिवार के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, और इस तरीके से जो घटनाक्रम है पूरे घटनाक्रम को लेकर परिवार पूरी तरीके से सदमे में है, परिवार के लोग हैं डरे सहमे हुए। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार यहाँ पे देखिए मौजूद है, और परिवार के लोग हैं वो पूरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं जो लोग वहां पर सामने मौजूद हैं? अभी आपने दिखाया था, देखिए अब जो हाँ अभी लोग हैं, चूंकि अभी थोड़ी देर में यहाँ पे तमाम तरह के जो लोग हैं आ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के लोग हो। देखिए ये वो रास्ता है जो मृतक उमेश पाल के घर को मुख्य रोड से जोड़ता हुआ आता है, ये वही रास्ता है, और इसी रास्ते के ठीक बाहर जो है वहाँ पे गोलीबारी की गई थी। हम आपको एक बार वहाँ ले चलते हैं, वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही वो रास्ता है, इसी रास्ते से ये इनका घर है जहाँ अभी हम लोग मौजूद थे, और ये वो रास्ता है जो धूमनगंज एरिया का जो मुख्य रास्ता है। देखिए किस तरीके से लोगों का ये सकरी गली है, इसी सकरी गली से उनके घर का आना जाना होता है, और इसी जगह वो घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो परिवार के लोग हैं वो अभी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं, और उनकी जो मम्मी है उनसे हमने बातचीत करने के लिए क्या हमें दिखा सकते हैं, पूरी घटनास्थल को अच्छे से दिखा सकते हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे घटनास्थल। देखिए अभी ये मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी परिवार से मिलेंगे। ये देखिए ये तस्वीरें, देखिए खास तस्वीरें हैं, और ये मंत्री जी बस परिवार से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि सकरी गली है और इसी सकरी गली से मंत्री जी का आगमन हो रहा है। जी ये पवन, मंत्री जी से बातचीत हो सकती है, उनसे बात करने की कोशिश करिए पवन। हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सकरी गली है और यहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो भी नहीं दिख रहा है। इस तरीके से देखिये इन्हीं रास्ते से परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगे, और वहाँ जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि सकरा है रास्ता, और इस रास्ते में इस तरीके से पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाएंगे किस तरीके की बातें हैं ये हम लाइव तस्वीरें के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये मंत्री जी जा रहे हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर उमेश पाल के पीड़ित परिवार के घर पर हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्राइम टीवी, पीड़ित परिवार जिस तरीके से पूरा टूट चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनकी माँ वहां पर उपस्थित है, तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है, उमेश पाल की माँ बुरी तरीके से परिवार का ढांढस बांधने के लिए मंत्री जी से किस तरीके बघेल वहां पर पहुंचे हुए उपस्थित है, आप तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको प्राइम टीवी दिखा रहा है प्रयागराज से,
उमेश पाल की माँ है, मंत्री जी से लिपट के रो रही है। ये बेहद भावुक करने वाली तस्वीर है। देखिए मंत्री जी से लिपट के रो रही है, मृतक उमेश पाल की माँ है। ये सबसे भावुक तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से अपनी वेदना को बता रही है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह का अभाव है, लेकिन ये तस्वीरें हैं। ये देखिए एकदम बेहद खास तस्वीरें, भावुक करने वाली तस्वीरें। मृतक उमेश पाल की माँ है, मंत्री जी से किस तरीके से लिपट के रो रही है, अपनी वेदना को बता रही है। तस्वीरें प्रयागराज से दिखा रहा है उमेश पाल के घर से, जहां उमेश पाल की मां है जो मंत्री बघेल से लिपटी हुई नजर आ रही है। देख जिस तरीके से मंत्री बघेल वहां पर परिवार का ढांढस बंधाने पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक मां पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, जिसका बेटा इस तरीके से घटनाक्रम में शामिल हो गया हो। बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीर सामने दिख रही है। एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है उमेश पाल के घर से। उमेश पाल की मां जो है बेहद भावुक तस्वीर देख सामने दिख रही है आपको। मंत्री बघेल वहां पर पहुंचे हुए परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। प्राइम टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रयागराज से दिखा रहा है आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक मां बुरी तरीके से टूटी हुई है, जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। प्रयागराज से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर उमेश पाल के घर पर मंत्री बघेल वहां पर पहुंचे हुए हैं परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उमेश पाल की मां है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। देखिए पुलिस फोर्स भी वहां पर मौजूद है। बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। प्रयागराज से हम आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं उमेश पाल के घर से। उमेश पाल की जो वहीं पर उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान को अभी तक पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और अब हम आपको सीधी तस्वीर प्रयागराज से दिखा रहे हैं पूरी घटनाक्रम को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है। एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी आपको दिखा रहा है प्रयागराज से।
एक्सक्लूसिव तस्वीर है प्रयागराज से, सीधे आप देख सकते हैं। बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया था। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने उस घटनास्थल को दिखाया था जहां पर ये पूरा घटने, इस पूरे घटने को अंजाम दिया गया था, जिसमें उमेश पाल और सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं पर आपको बता दें कि लखनऊ भेजा गया था उपचार के लिए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमला किया गया था। थोड़ी देर पहले हमने एक सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाई दी, पूरा मामला जो था सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने दिखाई थी हमने तस्वीरों में, उनके घर के सामने की थी ये तस्वीर, जिसमें दिखाया गया था बेहद ही दर्दनाक तरीके से उमेश पाल पर गोलियां बरसाई गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के जो थे वो मुख्य गवाह थे, उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसपे उमेश पाल और सुरक्षाकर्मी संदीप निषाद की मौके पर ही मौत हो गई है। राजू और उमेश पाल मर्डर का मुख्य आरोपी है अतीक अहमद बताया जा रहा है, जिसमें जिसके गैंग के कुछ लोगों ने 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी है। पूरा घटनाक्रम जो है 24 फरवरी को हुआ था। सीधा तस्वीर आप प्रयागराज से देख रहे हैं। राजू और उमेश पाल का मर्डर मुख्य आरोपी है अतीक अहमद का गैंग बताया जा रहा है, जिसके गैंग ने कुछ लोगों ने 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पर इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है। इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर उमेश पाल की हत्या का पूरा प्लान बनाकर आए थे। उन्होंने गोलियों के साथ छोटे बम का इस्तेमाल किया। अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में बयान देते हुए कहा कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे हम। पवन घटनास्थल पर मौके पर आप मौजूद है, मंत्री बघेल क्या कुछ कह रहे हैं परिजनों से? हालांकि वो अभी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। अब किस तरीके से उन्होंने परिजनों को ढांढस बनाया, क्या बातें हुई हैं, जब बात उनकी पूरी हो जाएगी तब जाके ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि मंत्री जी जो है परिजन है और जो पीड़ित है उमेश पाल, उनकी माँ से बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, तस्वीरों में देखिए पीड़ित परिवार से बैठकर बातचीत कर रहे हैं जी। पवन, वहां पर कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, किस किस पार्टी के? चूंकि यहां पे अब कितने लोग हैं ये कह पाना ठीक नहीं, और कौन कौन से लोग हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि लगातार यहां पे लोगों का तांता लगा हुआ है, पीड़ित परिवार से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये देखिए मंत्री बघेल जी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं पीड़ित परिवार से,
मृतक उमेश पाल की माँ है, ठीक उनके बगल में बैठी है, जिन्होंने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई है। इस तरीके से बात है, वो सामने भी होगी। पवन, क्या कुछ किसी और लोगों से, अन्य सदस्य वहां पर बातचीत हो सकती है? नहीं, अभी देखिए तुरंत बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी देखिए मंत्री जी बैठकर बातचीत कर रहे हैं। हम इधर से थोड़ा सा हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस जगह पे जहाँ पे मंत्री जी बैठे हुए हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। एक बार ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे लोग हैं और मंत्री जी बैठ कर परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। किस तरीके से बात उन्होंने की है, क्या बातें हुई है, पवन, क्या एसपी वगैरह मंत्री वहां पर मौजूद हैं, उनसे क्या कुछ बातचीत हो सकती है? हालांकि वो अभी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चूंकि वो पीड़ित परिवार के पास बैठे हुए हैं। अब जब तक वो उनके पास बैठे हुए हैं, तब तक अभी वो कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि पीड़ित परिवार से वो बातचीत कर रहे हैं। जैसे निकलेंगे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, पवन, क्या वहां पर जो घटना हुई थी, घटना स्थल पर जाकर आप एक बार फिर से हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उधर जाने की, हम देख रहे हैं, उधर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिसकर्मी है। यही वो रास्ता है जो बाहर से सड़क से इनके घर की ओर आता है, यही वो सकरी गली है। इसी गली के अंदर से वो घर से घर में उनका अंदर आना हो रहा था, और ये वो रास्ता है। ये रास्ता देखिए आप, जो आके जाके मुख्य मार्ग को जोड़ता है, और ये थोड़ी दूर आगे घटनास्थल है, जहाँ पर पूरी घटनास्थल को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर उमेश पाल को गोली और बम से मारा गया था। ये आगे का वही वो रास्ता है, और ये सकरी गली है जो मुख्य मार्ग से होके इस घर की ओर आती है। देखिए सामने यही वो घटनास्थल है, हम वहाँ पर भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यही वो स्थान है जिस स्थान पे उमेश पाल एमपीएमएल कोर्ट से जब वापस लौटे थे। जो बम के निशान है हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, जो निशान वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये हम दिखाएंगे। यही वो घटनास्थल है, यही वो स्थान है जहां पर 24 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया था। यही वो स्थान है जहां पे उमेश पाल जब एमपीएमएल कोर्ट से वापस लौटे थे, यही वो घटनास्थल है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए डिवाइडर है यहाँ पे, जो देखिए किस तरीके से उखड़ा हुआ है यहाँ पे, और भी जो स्थान है, क्योंकि आज यहाँ पे जिस तरीके से जो लगातार क्या चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। तो यही वो रास्ता है जो मुख्य मार्ग है जो अभी हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। एक बार हम फिर अंदर चलेंगे, क्योंकि मंत्री जी परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके जी से पवन, बिल्कुल जिस तरीके से दिखाया गया है, वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और जिस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है, बिल्कुल जिस तरीके से इस भरे बाजार में घटना को अंजाम दिया गया है, तो लगातार जो घटना के बाद है तमाम तरह के यहाँ पे सवाल उठाए गए थे, क्योंकि भरे बाजार में इस तरीके से घटना को अंजाम देना और घटना को अंजाम देकर अपराधी का यहाँ से फरार हो जाना, वो हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही है। पुलिस कमिश्नर प्रयागराज द्वारा इस पूरे घटना के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है, और इस पूरे घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज रमेश शर्मा लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जी पवन, बिल्कुल हमने अभी देखा घटनास्थल पर, एसपी बघेल मंत्री से क्या कुछ बातचीत हो सकती है, किस तरीके से वो पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, कितनी जल्दी पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाएगा? चूंकि वो परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जैसे उनके परिजनों से बातचीत पूरी हो जाएगी, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी वो पीड़ित परिवार के साथ बैठे हुए हैं। मृतक उमेश पाल की माँ से उन्होंने काफी देर तक वार्ता की है, मृतक उमेश पाल की माँ है, उन्होंने मंत्री जी से लिपट कर अपनी व्यथा सुनाई है, किस तरीके की बातें हुई है। जब वहाँ से निकलेंगे तो हमारी बात होगी, वो सामने आएगी। जी पवन, इस खबर पर बने रहिए, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने पूरे भीड़भाड़ इलाके में इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है। 24 फरवरी को पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं।
इस पूरी सीसीटीवी फुटेज में बदमाशों के बेखौफ मंसूबे, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया वो सामने नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमलावर थे वो बिल्कुल हत्या की साजिश कर आए थे। सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, 24 फरवरी को रुकते एक छोटे से